हमें उन लोगों के साथ भी अपनी खुशियां बांटनी चाहिए जिन लोगों की फैमिलीज नहीं होती। तो आज जो है वो हमें इनवाइट आया है इसी तरह की एक जगह के लिए। मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए कुछ लेके ना जाएं। हमारे ये सारे डब्बे तैयार हो गए हैं। ये उनके जो है वो रहने की जगह है जहाँ पे बच्चे रहते हैं। ऐसे पकड़ना फोन करना है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का रोजा भी बहुत ही जबरदस्त जा रहा होगा और मैं सुबह सुबह उठ के तैयार हो गई हूँ। थंबनेल और टाइटल देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरी आज कहाँ की तैयारी है भाई। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि रमजान के इस बाबरकत महीने में हम अपनी खुशियां बांटते हैं अपनी फैमिली वालों के साथ, लेकिन हमें उन लोगों के साथ भी अपनी खुशियां बांटनी चाहिए जिन लोगों की फैमिलीज नहीं होती या जो लोग जो है वो अकेले रह रहे होते हैं। किस तरह से रह रहे होते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है। तो आज जो है वो हमें इनवाइट आया है इसी तरह की एक जगह के लिए। वहां पे हम लोग जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, देखते हैं वहां पे क्या सूरत हाल होती है। बच्चे हमारे बहुत फैंस हैं, वो हमें देखते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि हम लोग वहां पे जाएं, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया। तो मैं और अरीब जो है वो वहां पे जाएंगे इंशाल्लाह और वहां जाके हम उनके साथ आज रोजा इफ्तार करेंगे, जो कि हमारी खुशियों को चार चांद लगाएंगे और साथ साथ इस व्लॉग को भी। मुझे पता है कि ये चीज जो है बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों को भी। अगर आप लोगों को भी ऐसा कभी कोई मौका मिले तो कभी हाथ से जाने ना दें, क्योंकि हर उस इंसान के साथ हमें अपनी खुशियां बांटनी चाहिए जिनके साथ बांटने वाले कोई नहीं होते। तो जी, अगर आप लोगों ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सारी तैयारी व्यारी मैंने कर ली है, बस मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड साहब का, वो जरा तैयार होने के लिए गए हैं। तैयार होकर जैसे ही वापस आते हैं आप उनका दीदार मुबारक करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मुझे घंटा नहीं लगना तैयार होने में, 2 सेकंड में। अच्छा, घंटा नहीं लगना, नेवर एंडिंग। वाओ, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन एक मिनट, हेड टू टो यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, लेकिन तो वालां जी बम फुटे यार। ये ना वो बेसिकली ना, अगर तो पता नहीं है, यानी कि 2010-11 पे लोग स्पाइक्स बनाते थे। हाँ। मेरे अब नेचुरली स्पाइक्स बनने लग गए। आज आपको मैंने बताया, हम लोगों ने वो ऑर्फनेज जाना जहाँ पे बच्चे, ये 3 बच्चे होते हैं, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। हमने उनके साथ इफ्तारी करनी है आज, वहाँ से हमें इनवाइट आया। आज हमें इफ्तारी की जरूरत ही बहुत है, आपको पता है ना। शुक्र है हमने कुछ खाया हुआ था 11 बजे, तो इसलिए हमने इजीली हो गए रोजा निकाल लिया। लोग समझ रहे कि हमने कुछ खाया ही नहीं हुआ था, पहले हमने 11 बजे खाया हुआ था। 11-12 बज गए थे, 12 बजे तक हम लोगों ने खाया था खाना शाना। भाभी ने बड़ी मजे की बिरयानी बनाई थी, घर से खा के ही निकले थे खाना, फुल पेट भर के। बस इसलिए हमारा गुजारा हो गया, अच्छा रोजा जा रहा। लेकिन इसको खोलने के लिए, हम उसको और अच्छा करने के लिए आज जाएंगे उन बच्चों के साथ। मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए कुछ लेके ना जाएं। अरे मैंने ना बहुत कुछ सोचा हुआ है। आज सबसे पहले हम लोग जाएंगे वहां, जाके देखेंगे कि बच्चे किस एज ग्रुप के हैं, फिर उस लिहाज से मैंने उनके लिए बहुत बड़ी चीज सोची है, वो इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल हम चूंकि जा रहे हैं, तो हम उनके लिए मीठे में कुछ ज्यादा सारी चीजें लेके जाएंगे और फिर हम निकलते हैं, ठीक है? रास्ते से सोचा हुआ, फिर तो कोई टेंशन नहीं। सोच के बैठी होती है, हर चीज सोच के बैठी होती है, लेकिन चाबी लेना भूल जाती है। आज चाबी पकड़ लेना वरना नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड तो वो क्या कहते हैं, फलांगने में भी प्रोमैक्स हो गया, अब तो मुझे डर ही नहीं अगर मैं चाबी कभी छोड़ भी जाऊँ तो। आपने मिट्टू सो रहे हो? वो बेचारा हमारा इंतजार करते करते सो गया। मिठू की अम्मी सो रही हैं। मिठू और मिठू की अम्मी सो रही हैं। जी। अब हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं और क्या खूबसूरत मौसम हुआ है, इतना प्यारा वेदर, ओ माय गॉड। और ये वेदर तो और ही ज्यादा प्यारा है। मेरी बिल्ली की बात को इतना दिल पे ले लिया कि अब वो बिल्ली की डस्टिंग वाली बिल्ली मेरी डस्टिंग है। बाल लगे हुए, हाँ ये देखो जरा। तो अब ये डस्टी, अब गाड़ी साफ हो रही है, ये गाड़ी तो बड़े प्यार से साफ होती है ना। हम लोग निकल चुके हैं घर से, अब हम लोग सीधा पहुंच लगे लोकेशन में, बल्कि हमने रास्ते में सच रुकना भी आ रही। क्या लेना उनके लिए मुझे बता दो। कुछ मजे के केक्स ले लेते हैं, पेस्ट्रीज ले लेते हैं, स्वीट डिश में चॉकलेट्स ले लेते हैं, बच्चे खाते हैं ये चीजें, ठीक है? खाने वाली छोटी छोटी ऐसे चीजें। नहीं, एज ग्रुप का आइडिया नहीं, जाके पता लगे। उन्होंने हमें इन्वाइट किया, मैंने उनसे ये चीजें नहीं पूछी, उन्होंने बस यही कहा ना कि वो लोग इस तरह बच्चे हैं ऑर्फनेज है और वहाँ पे आपने आना और इफ्तारी करनी है, तो मैंने इनकार ही नहीं किया बिल्कुल। मैंने कहा मैं तो आ रही हूँ भाई अपने हस्बैंड के साथ, तो इंशाल्लाह बस हम वहाँ पे पहुँचते हैं, अभी चीज़ें वगैरह लेते हैं रास्ते से, उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपको सबसे मिलवाते हैं। लेट्स गो। जब हम लोग जा रहे हैं वहाँ से चीज़ें लेने के लिए, बेकरी में पहुँचे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या लें, समझ नहीं आ रहा।
करीब ये कुछ ये भी रखवा लेते हैं, कुछ ये रख लेते हैं, कुछ वो कलर कुछ मिक्स कर लें। हाँ, और दो तीन केक ले लें। दो तीन केक ले, मुझे लग रहा है ये वाले ज़्यादा, ये वाले हाँ सारे मिक्स करवा लें। ये भी हमारे ये सारे डब्बे तैयार हो गए हैं, जिसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें और भी एड ऑन हो रही हैं, अभी बाकी के वो बन रहे हैं, क्योंकि हमने जो है ना ये सारे वन बाय वन सारे ढेर सारे जो है ना वो पैक करवा लिए हैं। तो ये हमारे डब्बे हैं, अब अरे ये गाड़ी में पूरे आ जाएंगे। डिक्की माशाल्लाह हमारी बड़ी है। हाँ नहीं, वैसे कह रही हूँ कि दब ना ना दब ना आ जाए, फिस ना जाए। सारा सामान वगैरह हमारा आ गया, बस अब निकलते हैं और तारीफ पहुँचते हैं। तो अब जो है वो हम लोग यहाँ से सीधा पहुँचने लगे हैं अपने लोकेशन पे, और वो यहाँ से कितनी देर में हम पहुँच जाएंगे? टाइम है तो दूर है, थोड़ी सी दूर है। चले बस अल्लाह का नाम लेके पहुँचते हैं, इंशाल्लाह पहुँच के आपको मिलवाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं बस लोकेशन पे, कोई एक मिनट की दूरी पे है हम लोग यहाँ से, पहुंच गए ना, बिल्कुल बस पहुंच गए हैं। और इफ्तार में वो बाहर हमारे वेट के लिए भी आ गई हैं, अब जो है ना वो इफ्तार करते हैं जाके, इफ्तार में 10 मिनट रह गए। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हम लोग गए थे यहाँ पे पहुँच, और बहुत अच्छा इस्तकबाल किया उन्होंने, और बहुत अच्छे कॉज के लिए काम करें यहाँ पे। ये जितने ऑर्फन बच्चे हैं सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इफ्तार का टाइम है, अभी हम इनके साथ बैठेंगे और रोज़ा इफ्तार करेंगे। जैसे ही रोज़ा इफ्तार हो जाएगा फिर आपको बारी बारी सारे बच्चों से मिलवाएंगे। एक बच्चा बड़ा क्यूट सा, मैं बाय बाय कर दो। ये बच्चे देखते हैं, मुझे भी उन्होंने बताया कि सारे बच्चे करते हैं, ठीक है, अंदर जाके देखते हैं रहना सहना कैसे है, फिर सारी चीज़ें दिखाएंगे, इस फाउंडेशन के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी बैठते हैं, इफ्तारी करेंगे। चले हम बैठते हैं, हम भी यहीं पे बैठ रहे हैं। आप में से रोजा किस किसने रखा है? ओए ओए ओए, अभी छोटे से उतने रोजे कैसे रख रहे हो हैं? इसको देखो सबसे मिनी। ये लो, किसको सैंडविच नहीं मिला? आपको नहीं मिला? अब वो परेशान हो गए, कह रहा तुम उसको तंग ना करो। अभी इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, इसको दुआ वगैरह मांगते हैं, फिर इफ्तारी करते हैं इंशाल्लाह। बस इफ्तारी करने लगे, हमने सारी वगैरह कर ली थी। ये देखे सारे बच्चों ने नमाज वगैरह भी पढ़ ली, अब सारे बच्चे यहाँ पे जमा हो गए। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल, आप सब ठीक हो? चलो आज बस पिक्चर वगैरह बनाए अब, ठीक है? सबको ये हाई कर दो, आपको लोग देख रहे हैं जल्दी से। चलें जी, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह हमारी हो गई हैं, अब अंदर जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर इनका किस तरह रहना सहना है, कैसे ये लोग पढ़ते हैं चीजें वगैरह। चलिए अंदर इनका जाके दिखाएं इनको, कहना कहना दिखाते हैं। लेट्स गो, आ जाओ। अब आपको प्रॉपर जो है वो टूर कराते हैं जहाँ पे ये लोग बच्चे रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। ये सबसे पहले तो इनका क्लासरूम है भाई। अच्छा, ये बताया हमें कि ये जब स्कूल वगैरह से पढ़ के आते हैं तो यहाँ पे ट्यूशन वगैरह होती है उनकी, यहाँ पे एकेडमी, जैसे एकेडमी होती है ना बच्चों की, ट्यूशन सेंटर होता है जहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। ये इनका डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे खाना शाना जो है वो लगता है और ये खाना शाना खाते हैं, और ये सारे क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। ये बड़े बड़े बच्चों को क्लासरूम है। हाँ, ये साइंस स्टूडेंट्स को पता लग रहा है वो स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन से, और वो सारा ये जैसे बायोलॉजी वो टेबल टेनिस है। यहाँ पे स्कूल नहीं पढ़ाते, जब ट्यूशन के लिए आते तब वो लोग पढ़ते हैं, वो लोग जाहिर है ये रहने के लिए जगह है उन लोगों की। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से पढ़ के जब वापिस आते हैं फिर शाम में ट्यूशन पढ़ते हैं, और उसके बाद ये उनकी क्लासरूम्स है, ये डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पे जैसे बच्चों के जो है ना वो सारे शूज वगैरह लगे हुए हैं। इनकी मेन चीज जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग सोते हैं वो जगह दिखाते हैं, वो जगह लेके जाते हैं। ये जो एरिया जिसमें हम एंटर हो रहे हैं ये उन्होंने दिखाया, ये उनका वुजू का एरिया, ये वॉशिंग एरिया सारा, ये सारा उनका वॉशिंग एरिया है, और ये उनके जो है वो रहने की जगह है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, और ये सारे बेड्स लगे हुए हैं, ब्लैंकेट करते हैं वो, और उन्होंने दिखाया था यहाँ पे तीन बेड, तीन तीन बच्चों के सोने की जगह है इस तरह से, ये नाइस, यानी कि तीन बच्चे एक जैसे मैट्रेसेस हैं। तकरीबन 48 बच्चे रहते हैं, 48 बच्चे माशाल्लाह, जैसा मैट्रेस देखे ना मुझे रियलाइज होता है कि हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं। खुशकिस्मत है, और हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए, बिल्कुल, कि हमारे पास जो नेमतें हैं हम कभी कभी इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बेचारे बच्चे यानी कि तीन कमरों में 48 बच्चे रह रहे हैं, तीन कमरों में, और किस तरह वो रह रहे होंगे वो किस तरह, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र हमने बड़ा सफाई और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे मैट्रेसेस हैं, अच्छे ब्लैंकेट्स हैं, अच्छे पिलोज हैं,
और वही कहते हैं ना कि आपके पास माँ बाप की नेमत है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको दिन का खाने को मिलता है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक जो फैमिली की कमी है वो तो नहीं कोई चीज़ पूरी कर सकते। ये अच्छा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होएगा और ये सारा खाना शाना है। ब्लॉगर ये क्या पी रहे हो? ये देखो, ये देख देख के भागी जा रहे हैं, रह रहे हैं सुकून से, चिल करते हैं। आपकी पॉट में जामे शीरी है? नहीं, पानी है। वो कह आपने देखा सारी चीजें हमने आपको दिखा दी हैं, इफ्तारी भी हमारे यहाँ बच्चों के साथ बहुत अच्छी हुई है। अब इस सारी चीजों के पीछे एक फेस होता है जो उस चीज को लेके चल रहा होता है, तो अब मैं आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ जो इस अच्छी कॉज को लेके चल रहे हैं और इसको आगे कहाँ तक लेके जाएंगे। ये सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी भाई, हैट्स ऑफ टू यू के इस दौर में आप माशाल्लाह बहुत अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी इस कॉज को जो है ना वो आपके लिए बरकत बनाए और इन बच्चों के लिए भी जो यहाँ पे रहते हैं, और इनकी दुआओं से ही जाहिर है इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आज के दौर में बेसिकली वैसे भी एक घर में दो तीन बच्चे संभालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आपने माशाल्लाह इतने ज्यादा बच्चों को संभाल रहे हैं और आगे इसको और फर्दर लेके जा रहे हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। पहले बार आपके लिए इसकी मुबारकबाद, अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए काबिल बनाया। ये हर किसी के बस की काम नहीं होता, अल्लाह ताला की अता है जी। इंसान खुद कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला जो है वो तौफीक देते हैं। बाकी हमारे से जितना हो सकेगा हम करेंगे। बाकी हम लोगों को भी यही कहेंगे कि आप जितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जितना यहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं, मैं इनका लिंक वगैरह जो है वो हम दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं इनसे रابطہ करें, इनका नंबर भी दे देंगे, बिलाल साहब इनका नाम है। ठीक है, आप लोग जो है वो इनसे रابطہ कर सकते हैं और ये चीज़ आपको देख के खुशी होगी कि जो बच्चे हैं वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। व्लॉग बनाना सिखा रहे हैं। कौन सीख रहा है? व्लॉग बनाना सिखा रहे हैं। ये लो मोबाइल, ये लो व्लॉग बना के दिखाओ कैसे व्लॉग बनाते हैं। प्रो मैक्स कंफ्यूज हो गया ना, पता ऐसे पकड़ना फोन करना है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, बस ये बोलो जल्दी। कैसे? हेलो एवरीवन, मुझे कहना नहीं आता। चलो जो अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह आपको और बरकत डाले इस काम में और आपको बहुत ज्यादा यानी कि इसको ज्यादा कर सके, जो मुसीबत में है जिनको नीड है आप उनकी हेल्प कर सके। आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है आपने, अल्लाह को बहुत ज्यादा कामयाब करें। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का, बहुत मजा आया ताकि करके बच्चों के साथ एक रिफ्रेशिंग फील होता है, एनर्जी हो गई है। हाँ सीरियसली, वो एक ना रूह ताज़ा हो गई है, सुकून रियली, वो जो एक पीस फील होता है ना जो रूह की, कहते हैं ना आप किसी के लिए कुछ अच्छा करो, अच्छा सोचो तो भी आपके अंदर जो है ना वो पॉजिटिविटी आ जाती है। बस वो पॉजिटिविटी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं और हमें देखने वाले भी वो पॉजिटिविटी फील कर सकते हैं। और हमारी शक्लों से हंसी है कि मुझे बच्चों से खेलने का इतना मजा आ रहा है। दे आर वेरी माशाल्लाह एनर्जेटिक और इधर घूम रहे हैं, मतलब जैसे घर में नहीं हम अपने गद्दों में नाच रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं पानी लेके, सेम वही फील, मतलब मैंने देखा है कि बच्चे वो चीज यहाँ पे फील कर रहे हैं कि जैसे अपने घर में घूम रहे हैं। बाय बाय छोटू, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे, बाय बाय जो हाल दू मतलब बच्चों, बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। सारे बच्चे जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे बच्चों के लिए पानी शानी लगा हुआ है, ठीक है, और ये बच्चे कुछ बैठे हुए हैं, बस अब हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा जी, फाइनली मूड बन गया हमारा बाय करने का, बाय 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 बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, दोबारा आऊँगी, ठीक है, दोबारा आऊँगी आपसे मिलने, ठीक है, चलो डन। हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और एक चीज़ दिल में लेके निकल रही हूँ कि भाई कैसे बच्चे वो सरवाइव करते होंगे जिनके माँ बाप नहीं हैं। अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनके सरों पे सलामत रखे। मैंने ना एक चीज का हिसाब लगाया है कि माँ बाप कुछ भी ना करते हो, उनका सिर्फ सर पे साया हो, यही बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ तो अपने माँ बाप की कदर करें और जिनके नहीं है ना उनसे जाके पूछे वो किस हाल में है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा मैं दिल को था, मुझे वो जुहान याद आ रहा था, मैं उसको देख रहा था कि हम उसको कितने प्यार से रखते हैं। तो अगर उनके माँ बाप होते तो वो भी उसको उसी बच्चे को उतने प्यार से रख रहे होते। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह उसको बहुत कामयाब करे, बस
जिसकी किसी यतीम की किसी की हेल्प कर सकते हैं तो उसको लाजमी जरूर करें, जितनी हेल्प कर सकते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में हो, आपके घर के साइड पे कोई रह रहा होता है, आपके नेबर्स में कोई यतीम होता है, आपके रिश्तेदारों में कोई यतीम होता है, आपके जहाँ पे भी आपको, आपको बस अपना हेल्पिंग हैंड ना हमेशा अल्लाह के लिए खुला रखें, क्योंकि ये आप अल्लाह की जात के लिए कर रहे होते हो। उसको ये चीज फील ना करवाए उसकी जिंदगी में। हाँ, ये चीज बहुत बहुत हार्ट रचिंग है। सो बस एक इस इमोशन के साथ, इस इमोशन को दिल में दबाए जा रहे हैं, तो सैड हो गया माहौल, बहुत सैड हो गया तो माहौल को थोड़ा ताजा करते हैं, बस घर चलते हैं, घर पहुंचते हैं, अपनी बिल्ली से मिलते हैं। मुझे बिल्ली इतनी पेंटा मैं आपको लगाऊंगी, उसको पेंटा लगाना, मुझे बिल्ली याद आ रही है कसम से। मैं सबसे छोटू एक बेबी के पास बैठी थी, मुझे भी जुहान याद आ गया। अब बस मिलते हैं जाके उनसे, लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, अब घर पहुंचते हैं, जाके मिलते हैं अपनी बिल्ली टिल्ली से। खांसी की दुकान, क्या हुआ, बीमार क्या हुआ? ये देखो खुद ही टीवी लगाएगा, क्या देख रहा है? चावालीगो अभी नहीं देखो, चाची पास आएगा, चाची पास आ जाओ, क्या हाल है, ताती पास आ जाओ। सारी कर ली थी पापा की है, पता है इतने छोटे छोटे गुड्डों से मिल के आए तुम जैसे, इतने प्यारे प्यारे काके थे छोटे छोटे। अच्छा अच्छा, पापा कर, पापा कर, पापा चाचू मुझे पकड़ा दो, अल्लाह पढ़ कितनी खुशी होती है चाचू को। आ जाओ, किसने, चाचू ने, चाचू क्या करते हैं, कोवी देखने, कोवी कोवी देखने, कोवी देखने, आपको पता है हम इतने छोटे छोटे बच्चों को मिलके आए हैं, हम आपको लेके देने आए थे, लेकिन आप सोई हुई थी, इतना मजा आया, इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे, इतना मजा आया। ए, मेरे बिल्ली याद आ गया, चलो मैं शेयर करवा के लेके आया, इसको भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, चलो शेयर करके, ध्यान से, बड़ी सर्दी है, ध्यान से। चलिए जी गाइस, हम लोग आ चुके थे ऊपर, जुहान को हम लोगों ने सुला दिया है, वो बेचारा बहुत बीमार हुआ है, उसके लिए दुआ कीजिएगा जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। उसको भी जैसे वायरल इन्फेक्शन सबको बारी बारी हुआ है, वो बेचारा बच्चा था उसको भी बुखार हो गया, तो बस वो ठीक हो जाए, आप लोगों ने जरूर दुआ करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अपनी दुआओं में आप लोगों ने स्पेशली मुझे याद रखना है, मेरी फैमिली को याद रखना है, और उन तमाम बच्चों को याद रखना है, सबके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।